हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि आपको आधार कार्ड सुधार करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड की तरफ से एक जो कि नया अपडेट आ चुका है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप अपना आधार कार्ड में करेक्शन यानी सुधार वगैरह करवाना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एड्रेस हो, जेंडर हो, कुछ भी आपको सुधार करवाना है तो उसके बारे में कुछ नया अपडेट आ गया है। जब तक मैं आपको बता दूँ, अगर आप सुधार करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप छोटी सी प्रॉब्लम जैसे जेंडर हो, नेम हो, एड्रेस हो, जल्दी जल्दी जल्दीबाजी में आकर उसे करेक्शन करवा ले और बाद में चलकर पूरे लाइफ टाइम तक आपको पछताना न पड़ जाए। इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखिएगा। डेट ऑफ बर्थ सुधार करना, नाम सुधार करना है, कितने बार आपको मौका मिलेगा, ये कोई पार्टिकुलर सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग सीधे आराम से, जैसे कि मैं आधार सेंटर पर जाके ऑनलाइन होते बार बार जो कि अपना करेक्शन सीधे करवा लेते हैं, सोचते कि आधार कार्ड है, मैं बार बार जो कि सुधार करवा लूँगा, लेकिन यहाँ पर जो कि उसमें टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कौन से यानी कि नेम सुधार करने के लिए, जो कि नाम सुधार करने के लिए आपको कितना बार मौका मिलता है, डेट ऑफ बर्थ सुधार करने के लिए कितना बार मौका मिलता है, जेंडर सुधार करने के लिए कितना बार मौका मिलता है, और मैं आपको बता दूँ जो कि एड्रेस सुधार करने के लिए कितना बार आपको मौका मिलता है, जो कि पार्टिकुलर सारा कुछ डिटेल हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा। तो वीडियो करेंगे शुरू, बट उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी को दबाएंगे और प्रेस कर लेंगे ताकि जैसे मैं और नई अपडेट लेकर आऊंगा तो आप तक पहुंचते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आधार का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो कि अपडेट आधार जो कि आप देख रहे हैं, अपडेट आधार जो कि ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अपडेट आधार वाला ऑप्शन सिंपल से इस पर हम क्लिक करके आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं किसी तरह से आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, मैं सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि मैं कल किया था, ठीक है, जिसमें आपको लोगों को जानकारी दिया था कि कैसे इसको अपडेट किया जाए। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे अपडेट आधार वाले पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप सभी को आएगा और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा कुछ मैं आपको डिटेल बता देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपको कौन कौन से लोग यानी कि किन किन वर्ड को आपको कितने बार आपको ऑप्शन मिलेगा सुधार करने के लिए, यानी कि मान लीजिए आपको नाम जैसे कि सुधार करवाना नाम, ठीक है, तो आप देख लीजिए, ठीक है, नाम क्योंकि आपको दो बार ही आपको मौका मिलता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड जनरेट हो गया उसके बाद आपको दो बार मौका मिलता है आपको अपना नाम सुधार करने के लिए। जैसे कि आपके आधार कार्ड में मिस्टेक हो गया, जैसे कि आपको कुछ वर्ड का ही मिस्टेक है तो आपने एक बार जो कि सुधार करवा लिया, ठीक है। सपोज डेट मान लीजिए आपने एक बार सुधार करवाया, लेकिन सेकेंड बार भी हुआ क्या, जैसे कि आप सुधार करवाते हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो सेकेंड बार आप सुधार करवा लेते हैं फिर भी उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो आप थर्ड बार, आपसे कभी भी नहीं होगा थर्ड बार जो कि नाम सुधार नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, जो भी आपको एक बार में आपको सुधार करवा लेना है, नाम अगर सुधार करवाना है, जो आपको जनुना नाम होगा हर चीज़ में जो कि सेम, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा सभी में सेम नाम आपको रखना होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको दो बार ही मौका दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद आते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ आपको सिंपल से एक बार ही मौका मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ पहले ये था कि डेट ऑफ बर्थ आप एक से दो, दो से तीन बार आप जब चाहे सुधार करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने आधार कार्ड जैसे आपका जनरेट हुआ, ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड, जैसे कि मैं आज इस आधार कार्ड में इतना डेट ऑफ बर्थ कर लेता हूँ, अगले बार फिर मैं इतना कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड जनरेट हो उसमें अगर मिस्टेक हो चुका है, तो जो भी आपका वाजिब होगा सही होगा, जो कि सब डॉक्यूमेंट होगा, उस उतना डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक बार आपको सुधार करवा लेना है, जो कि एक बार, दोबारा इसमें नहीं मिलेगा, दोबारा इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड में आते हैं जेंडर में, जैसे कि आते हैं, ठीक है, तो जेंडर भी आपको एक बार ही मौका दिया जाता है, जेंडर मेल हो फीमेल हो, बहुत लोग को होता है क्या, मेल भी उसमें फीमेल हो जाता है, बहुत लोग फीमेल है उसमें जेंडर जो कि मेल हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको किस तरह का मिस्टेक है, तो आप एक बार जो कि यहाँ पर देख रहे हैं वन अपडेट लिफ्ट, यानी एक बार आप सुधार करवाते, एक बार दो बार भी इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। लेकिन यह जेंडर वाला प्रॉब्लम अक्सर यानी कि 2% यानी 100 में जो कि पूरे 2% का आता है, यानी कि 2% आता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेस की, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से एड्रेस एक ऐसा चीज़ है, जब चाहे, जब अगर आप चाहे तो 50 बार भी आप इसमें सुधार कर सकते हैं। सपोर्टेड आपके पास उस तरह का प्रूफ होना चाहिए, और इसमें कोई सी तरह का आप जब चाहे जब यानी हर हफ्ते भी आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस में किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है, जब चाहे आप जितना सुधार कर सकते हैं। लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये तीनों चीज़ आपको सुधार करवाना होगा, जो कि पूरे 102 बार, मान लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार आपको सुधार करवाना होगा, दो बार नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जैसे अपडेट आया मैंने सोचा कि आप लोग की जानकारी दे दूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि फास्ट में जल्दी में आकर, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ही सुधार करवाना है, जैसे कोई काम है उसमें डेट ऑफ बर्थ इतना मांग रहा है तो उतना जाकर सुधार करवा लिए, ठीक है।
हुआ, बाद में ऐसा हुआ कि फिर से दोबारा सुधार करवाने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर बता दिया गया कि वन अपडेट टिप, यानी कि एक जैसे अपडेट करेंगे दोबारा नहीं हो पाएगा, कितना भी चाकर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, यही अपडेट है। तो आप लोग को जो भी अपडेट करना है अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट मैं एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ, अगर नाम आपको सुधार करवाना है तो आप मात्र दो बार ही सुधार करवाएंगे, नाम की डेट ऑफ बर्थ मात्र एक बार सुधार कर पाए, जो कि एक बार सुधार कर पा पाएंगे, ठीक है। और जेंडर की बात करते हैं, मेल फीमेल, तो एक बार ही सुधार करवा पाएंगे, और एड्रेस आप जब चाहे जब सुधार करवा सकते हैं। इतना ही सारा कुछ अपडेट है, मैं सोचा कि आप लोग को जानकारी दे दूँ। तो जैसे कि हमने देखा दोस्तों, सारा कुछ डिटेल मैं आपको बता दिया हूँ, जो भी मैं टर्म कंडीशन बताया हूँ, नाम सुधार करने के लिए और डेट ऑफ बर्थ सुधार करने के लिए, जेंडर सुधार करने के लिए, एड्रेस सुधार करने के लिए, तो ये सारी बात आप जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इतना ही दिन के अंदर आपको करना होगा, अगर इसे एक्स्ट्रा करते हैं तो आपका कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए सोच समझ कर जो भी आपको सुधार करवाना हो तो सोच समझ कर एक से दो बार में सही, क्योंकि सही कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कर बताइएगा। अगर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह करना चाहते हैं तो कई सारा मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो और स्क्रीन पर भी देख रहा है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कर बताइएगा। वीडियो के बारे में जो भी अगर डाउट रह जाता है फिर भी आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप हमें दे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे मेरा फास्ट और वीडियो की इसी तरह लास्ट तक आपको बने रहने के लिए। थैंक यू।